भारत चीन का विवाद सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीनी सैनिकों की साजिश का खुलासा हर रोज हो रहा है। चीन के साथ जो होगा उसके लिए तो पूरी तैयारी है, लेकिन चीन के पिट्ठू पाकिस्तान के कारनामे अब भी जारी है। वो सोच रहा है कि भारत तो चीन से उलझा हुआ है तो वो इसका फायदा उठा ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की साजिश का खुलासा किया है। बारामूला के रामपुर सेक्टर के हथलंगा इलाके में आतंकी ठिकाना ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इन हथियारों की तादाद देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि घाटी में किसी बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी। लेकिन एलएसी से एलओसी तक सेना की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की इस साजिश का एक बार फिर भंडाफोड़ कर दिया। भारतीय सेना ने इन हथियारों के साथ सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों को भी सार्वजनिक किया है, जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकी भारतीय इलाके में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। I am here to announce a recovery of a large quantity of arms and ammunition in Rampur sector. On 30th of August, that is a day for yesterday, our troops along the line of control had detected a suspicious movement in the vicinity of line of control. The area is highly forested and with deep nalas. Thereafter, no further observation could be made during the night. Seeing the suspicious movement, search parties were launched yesterday, that is 31st August on the morning. And after intense search for about 7 hours, we were able to make significant recoveries of arms and ammunition. The highlights of recovery are 5 AK series of rifles, 6 pistols, 23 grenades, and more than 1200 rounds of ammunition. सेना के सतर्क रहने का ही नतीजा है कि इतनी भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किए गए। जब से चीन से विवाद बढ़ा है तब से इस तरह की गतिविधियों में तेजी आई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान बड़े साजिश को अंजाम देना चाहता है, लेकिन सेना की चौकसी उसके प्लान को हर बार फेल कर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।